हमारे साथ सैफी सर हैं। सर इसके साथ क्या क्या आता है? ये तो प्री हीटर है जी। ये प्री हीटर है सर, इसके साथ एक आयरन भी देता है WL, और आयरन के साथ तीन बिट भी देता है, ये नाइफ वाली जो भी रिपेयरिंग करते हुए जानते हैं, जो भी रिपेयरिंग करते हुए जानते हैं। सर पास में आ जाइए। आयरन यूज होती है, एक नाइफ बिट होती है जो ग्लू कट करने के लिए, एक माइक्रो होती है, एक ही पॉइंटेड होती है जो कि आपकी। क्या खास बात क्या है सर इसमें? इसकी सर एक्चुअल में अगर एज ए बिगनर अगर कोई भी स्टार्ट करता है ना, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग के साथ साथ ना, इसका जो प्री हीटर है, जैसे कि अगर हम देखेंगे इसका प्री हीटर, कोई भी खोल सकते हैं, ये वाला खोल सकते हैं। अच्छा, ये वाला एक बार देख लेते हैं, ये भी हम दिखाएंगे। ये बड़ी मतलब सस्ता में और ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये मतलब इसका क्या क्या इस्तेमाल है सर? मतलब इसे मार्केट स्विंग से अलग क्या है? मार्केट में क्या होता है कि मैकेनिक वगैरह या सनशाइन वगैरह अपने इंजेक्शन देते हैं, लेकिन उन्हें रिफिल नहीं कर पाते हम। अच्छा अच्छा, तो वो यूजलेस हो जाता है फिर। इसमें बेनिफिट ये है कि आप रिफिल कर सकते हैं दोबारा, और उसकी ना थोड़ा घुमाते रहिए सर की तरफ। स्लाइड जो है वो काफ़ी अच्छी है, और इसमें एक लॉक का सिस्टम भी आता है, और इसमें जो प्लस लगा सकते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से, जितनी क्वांटिटी में आपको जरूरत होती है उतनी क्वांटिटी में। इसके साथ ये मिनरल लीजिए, काफ़ी थिक मिनरल लीजिए, चाहिए बहुत तगड़ा दिया हुआ है इसलिए भी। चलिए कोई नहीं, हम लोग किसको खोलने वाले हैं? किसको खोलेंगे? इसको खोलेंगे। आप जो क्लास में ध्यान रखते हैं कि सबका हैंड स्किल बहुत बढ़िया है, तो उसका सर कारण क्या है? वैसे आप क्या खास बात है? कारण यही है कि कई बार में क्या होता है कि जहाँ भी स्टूडेंट क्लास ले रहा होता है, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि स्टूडेंट के टेबल पर ही उसे काम सिखाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उससे प्रॉब्लम ये रहती है कि कई बार स्टूडेंट काम भी कर रहा होता है, कई बार नहीं भी कर रहा होता, तो टीचर को ज़्यादा पता नहीं। हम अपनी क्लास में क्या करते हैं, हर एक टास्क जो है अपने टेबल पर करवाते हैं। अच्छा, जब तक वो टास्क वो करके नहीं दिखाता, अपने साथ फोन भी लेके आ सकते हैं? बिल्कुल लेकर आ। कितने फोन लेके आ सकते हैं सर? अभी तो कोई बाउंडेशन नहीं रखते हैं, अभी रिसेंटली एक स्क्रीन भी लेकर आए, वो 25 मोबाइल लेके आए। सर इसके बारे में बताइए सर। हाँ, मैं कह रहा था सर, इसका जो प्रिंटर इसमें एक, इसके अलावा और भी ब्रांड में प्रिंटर यूज़ होते हैं। इनमें क्या होता है कि ये ना पूरा एक चैनल होता है स्लाइड। अच्छा, तो जब हम नीचे के एरिया को गर्म करते हैं, तो अननेसेसरी जो हिस्सा हमें नहीं गर्म भी करना है ना, वो भी गर्म होता है। WL में क्या होता है कि ये चैनल जो सिर्फ एक्स्ट्रा लेयर है सिर्फ उसको गर्म करता है। तो इसमें एज ए बिगनर जो कि काम कर रहा है, और एक बार टेम्परेचर भूल भी गया ना, तब भी तेल डैमेज नहीं करता। अच्छा, जो बिगनर के लिए भी बेहतर, बिगनर्स के लिए बहुत बेहतर। ये इसके स्टेंसिल्स हैं। हाँ जी, इसके लिए मिड लेयर स्टेंसिल्स मिलती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सारे उस स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मंगाया जाता है जो हमारे पास बिगनर आते हैं। और कोई खोलना चाहेंगे सर ये इसमें? ये तो सब सेम ही है। इसमें सर दो और हमारे पास आए हैं। ये किस तरह का? एक बार ये आईफोन 11, अगर किसी के पास 11 के लिए ही रिक्वायरमेंट है, उसने एक्स पहले से ले रखा है, तो खाली 11 प्रो सीरीज की आपका पूरा स्टेंसिल मिल जाएगा। ऐसे थ्री हीटर खाली 11 में ही आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। सभी के लिए मशीन वही लेना है, और उसमें आयरन भी काम कर रहा है। बस बिल्कुल सर। और ये किसी को अगर एक्स का ही छोटे फोन के पास आते हैं, एक्स या एक्सएस तक, तो वो खाली ये भी ले सकता है। और किसी के पास दोनों आते हैं, तो हमारे पास दोनों के लिए भी इसमें एक ऑप्शन दिया है इसमें। ये आप सैफी सर का एक इन्फो इंस्टीट्यूट वाले चैनल पर काफ़ी वीडियो देख सकते हैं। सर का खास बात है केस स्टडी। देखिए, इंडिया में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उनका केस स्टडी वो नहीं करा पाते हैं। क्यों नहीं करा पाते हैं? क्योंकि वो उतना रिस्क नहीं लेना चाहते। क्या सर, आप कैसे रिस्क लेते हैं? नहीं, आप ले लीजिए घर से। कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर जब आप ऑन लाइव रिपेयरिंग करते होते हैं, तो कई बार ब्लंडर भी होता है। ज़्यादातर टीचर से बचते हैं। हाँ, कि कहीं अगर नहीं हुआ तो फिर स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चलेगा सर। तो आप लाइव ही करा देते हैं? हाँ, कल भी हमने दो सेट डाले लाइव। कल कौन कौन दो सेट लाइव डाले? आईफोन 11 है जिसकी आधी हाफ लाइट थी। अच्छा, और एक उसके अलावा 11 प्रो है जो हाफ लाइट थी। हाँ, हाफ वो हार्डवेयर से ठीक हुआ। हाँ, हार्डवेयर से। हमारे जमाने में इस तरह का हाफ लाइट हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं होता था, सीधा डिस्प्ले का प्रॉब्लम होता था। वो बेसिक है, अगर स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वो भी समझ जाएगा कि कहाँ से वो प्रॉब्लम आई है। तो डेली 4-5 फोन जो है ना केस स्टडी में ऑन हो जाता है। सर हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं थ्योरी वाइज, उसका प्रैक्टिकल जरूर देखने को मिले। देखिए सर, बता नहीं पा रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल तो सभी टीचर कराते हैं,
साथ में केस स्टडी करते हुए स्टूडेंट का मोबाइल ऑन होता है, तो कई पुराने स्टूडेंट भी आते हैं सर? हाँ सर बिल्कुल आते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, वो अच्छा, दो साइड भी ला देता है, चार साइड भी। क्या खास बात है इसमें देखिएगा ना आप, तो जो अभी तक काम कर रहे हैं उनके पास जो एक रेजिस्टर होता है या इस तरह का होल्डर होता है, तो होल्डर में ये चीज मेटल की नहीं दी जाती थी। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, जब हम किसी आईसी को क्लीन करते थे उस पर रखते तो वो मेटल भी कट, ये फ्रेम भी कट जाता था। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा मेटल लगा के दिया इसने ताकि कि आपकी जब आप इस पर काम करें तो लॉन्ग लास्टिंग रहे, जल्दी खराब ना हो। उसके अलावा छोटी आईसी को पकड़ने के लिए भी इसने इसी में ऑप्शन दिया। इसी में मतलब आप जो अलग अलग चीजें खरीदते हैं आईसी के लिए, बड़े आईसीयों के लिए या मतलब किसी भी होल्ड करने के लिए या छोटे मोटे आप यहाँ पे आप सारा काम आईसी वगैरह यहाँ पे अच्छा दिया है इसके लिए, बढ़िया दिया है। और इसकी जो नीचे की जो ग्रिपिंग है वो भी बहुत बढ़िया है। हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे, पुराने स्टूडेंट भी आ सकते हैं आपके पास? बिल्कुल आ सकते हैं, फाउंडेशन नहीं होती है, कोई ऐसा कोई नहीं है कि कोई पहले से अपॉइंटमेंट लेना है या पहले से कोई बुकिंग करानी है। अच्छा, डायरेक्ट आके वो, अच्छा डायरेक्ट वो आ सकते हैं। इवन अगर कोई टॉपिक भी है जो उन्होंने उस वक्त पढ़ा और अभी उन्हें लग रहा है उसमें अपडेट हो गया होगा कुछ, तो सबके पास नहीं मिलेगा तो वो भी यहाँ आवाज़ थोड़ा अच्छे से आएगा। क्या बोले, मैं कह रहा हूँ कई बार स्टूडेंट उस टॉपिक को पढ़ चुके जा चुके हैं, जैसे अभी टेक्नोलॉजी तो डेली अपग्रेड हो ही रही है, तो कई बार क्या होता है कि हमने जो पढ़ाया उससे अपग्रेड नया वर्जन आ गया, तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि उन्हें पहले से कोई बुकिंग लेनी है वगैरह करनी है। जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं वो तो डायरेक्ट ही आ जाते हैं। अच्छा, और वो अपने सेट भी लेकर आते हैं ताकि वो देख पाए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं या जो हमने पढ़ा है अब जो पढ़ेंगे उसमें क्या चेंजेस हैं। कई बार देखिए सबसे बड़ी बात है जो आप केस स्टडी कराते हैं, अभी हिम्मत नहीं है बहुत सारे टीचर के पास, मैं आपको दावा करता हूँ कि आप उनसे डेमो में भी वो फोन लेकर के आते। एक तो बंदा ऐसे थे, वो कहाँ से आए थे सर? उससे हैं, क्या बोलते हैं, पठानकोट। हाँ, पठानकोट से एक बंदा ऐसे हैं जिन्होंने ये कह करके चैलेंज दिया कि भाई ये मोबाइल ऑन होने के बाद ही हम एडमिशन लेंगे। हमने चैलेंज को अस्वीकार कर दिया कि ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन सर ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, उनको भेज दीजिए। और उनका फिर क्या प्रॉब्लम था? यू2 आईसी खराब थी, बट वो 8 साल से काम कर रहे थे, 8 साल से काम कर रहे थे आईफोन को, लेकिन वो ट्रिक नहीं जान पा रहे थे। सर ने उनको बताया और उन्होंने ही रिपेयर कर दिया पहले ही दिन क्लास में। कितने घंटे डेमो में भी नहीं बल्कि जब डेमो लेके गए ना, उसके बाद अपने टेबल पे जाकर उनके पास कई आईफोन पड़े थे, उन्होंने तरीका सीख लिया, तो उससे उन्होंने 6 या 7 सेट उसी फॉल्ट के बना के भी दिए। अच्छा, वो रिपेयर करके भी दिए, तो ये लाइव चीजें भी है, अगर वो देख रहे होंगे तो यस डन भी कर सकते हैं हमारा चैनल पे। और कुछ खोलने की जरूरत है क्या? एक नया आयरन आया हुआ है, आने वाले टाइम में हम इसको मंगाएंगे, लॉन्च करेंगे प्रॉपर तरीके से। हालांकि ये अभी सैफी सर के लिए मंगाए हैं। इसमें क्या खास बात आपको दिख रहा है अभी फर्स्ट ऑफ ऑल? सर इसमें ना अभी तक जो आयरन यूज हो रही है, जैसे JVC वगैरह के देखते हैं हम, सुगोन के देखते हैं, वही ज्यादातर आपके चैनल्स यूज कराता है। हाँ हाँ, के अलग अलग चैनल्स पे आप अलग अलग टेम्परेचर पे काम करते हैं। तो ये 3 चैनल, ये 3 चैनल इसने दिए हैं। उसके अलावा इसमें आप देखेंगे ना इसका आयर, ये होल्डर काफी अच्छी क्वालिटी का होल्डर इसने यूज किया है इसमें। और बिट्स देखेंगे, बिट्स के साइड भी पूरे ही, क्या इसमें प्री हीटर भी यूज कर सकते हैं क्या इसमें? नहीं सर, इसमें प्री हीटर तो यूज नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये है कि इसमें आप एक चीज यूज कर सकते हैं प्री हीटर के अलावा, कि आप इसे चाहे तो सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, पता नहीं ये सारी चीजें टेस्टिंग करेंगे दोस्तों, अभी बस ये हमारे साथ कन्वर्सेशन अभी आप देखेंगे तो इसमें ये बिट बहुत, हाँ हूबहू JVC की कॉपी की है इसने, बट देखते हैं JVC की इसमें बिट लगती है या नहीं लगती है। अच्छा हाँ, अच्छा, ये इसके साथ 3 बिट दिए हैं और काफी अच्छी क्वालिटी की बिट दिख रही है इसके लिए। और ये ना नाइट भी है, ये ना किसी ने अप्रूवल भी दिया है 2-3 कंपनियों ने, और वो अपने नाम से बनवा भी रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी सैफी सर से अप्रूवल लेकर के हो सकता है कि इसको फिर से लॉन्च करे, रीलॉन्च करे अपने गारंटी वारंटी में, आने वाले 6 महीने तक गारंटी हो। इसके साथ 3 बिट है सर, कौन कौन है? एक सर इसमें ये ही है, एक पॉइंटेड बिट है इसके अंदर, ये देखेंगे आप तो ये पॉइंटेड है जो काफ़ी बारीक काम करने की जगह पर काम आती है। एक आपकी ये बैंड है जो कि कभी कभार आप आईसी को क्लीन करते हैं तो उसके पैड क्लीन करने के लिए यूज़ की जाती है। तीसरी है नाइफ, जो कि जितने भी पेस्टेड आईसीज पर आप काम करेंगे, डजन मेट्रो CPU है या वाईफाई आईसी है या नैंड आईसी है, तो उसका ग्लू कट करने के लिए ये बिट यूज़ होती है। और यही 3 बिट्स अभी तक की रिपेयरिंग में यूज होते हैं। अच्छा, यही 3 बिट। हाँ, तो इसने ये अच्छा किया है कि इसी के साथ स्टार्ट कर दिया। स्टैंड भारी, काफ़ी भारी भरकम है इसमें, क्या मतलब खास बात क्या लग रहा है आपको? सर भारी भरकम के अलावा इसमें देखिए बिट का ऑप्शंस भी है कि बिट भी आप इसमें यहीं रख के निकाल सकते हैं इस तरह से, जब आप उसे
बिल्ड करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो अभी हमने यूज़ पूरी तरह से नहीं किया है, तो जब हम पूरी तरह से यूज़ करेंगे तो सारा इसका ट्यूटोरियल बनाएंगे पूरी तरह से प्रॉपर, कि इसमें क्या क्या चीज़ें और अच्छी ऐड की हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें भी हैं, और ये तो 2UUL का प्रोडक्ट है। हमारे पास ब्लेड भी आएगा वो भी। हाँ ये पीसीबी से निर्मित ब्लेड है, इधर से रखेगा, इधर से रखेगा वो मत ना। ये आप देख सकते हैं इस तरह का ब्लेड है, जो इस पर काफ़ी टेस्टिंग किया है सब ने, और इस पर हैंड स्किल बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप आईफोन के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप सैफी सर से ज़रूर मिले, अपने फ़ोन के साथ भी मिल सकते हैं। अगर आपको पास पहले से आपने कहीं पर ट्रेनिंग लिया है तो भी कोई बात नहीं है, आप सर से मिलिए, क्या पता है बहुत सारी ट्रेनिंग स्किप कर रही हो, क्योंकि सर का जो टॉपिक है 103 टॉपिक है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा टॉपिक भी दे रहे हैं, और सबसे बड़ा खास बात यह है कि केस स्टडी के रूप में ये डेली ही 3 से 4, 5, 6 फ़ोन करवाते हैं, और इनकी पूरी टीम है वो लगी हुई है, जैसे इनके साथ जो भी टीचर हैं गोपी सर हैं या और कोई भी हैं, तो पूरी एक टीम काम कर रही है, सर अकेला काम नहीं करते हैं, पूरी टीम काम करती है, ताकि आपका एक भी समय एक भी दिन एक एक टाइम बर्बाद ना हो, पूरे आप रात 8-9 बजे तक भी क्लासेस आप कर सकते हैं चाहे तो यहाँ पे आकर के, और छुट्टियाँ भी नहीं होती है, ताकि हम इसलिए क्योंकि उस मकसद से काम करते हैं कि आप इतनी दूर से आ रहे हैं तो अपना एक एक समय को यूटिलाइज कर सकें। इसके अलावा और आप अच्छा इसमें क्या मतलब ये कौन सा मॉडल है सर? ये आईफोन XS मैक्स के लिए है सर। नहीं एक में सारे मॉडल थे वो तो मैंने दिखा दिया, एक 2-in-1 है, ये 12 के लिए है। हमने खोले अच्छा ये तो हमने खोला के लिए। अच्छा इसके अलावा ये है सर आपका X211 प्रो के लिए। X211 देखिए आपके साथ ऑप्शन है, देखिए ये वही लोग वीडियो देख रहे होंगे जो आईफोन से लगाव रखते हैं, WL वाले सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं। हम इतना ही कहेंगे सैफी सर से जरूर मिलिए, क्या पता आपको आपके पास एक दो डाउट हो तो आप फ्री में भी क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और कम से कम मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो आइडिया नया आएगा ही। इसमें कौन कौन सा मॉडल है सर? इसमें आईफोन एक्स और 11 सीरीज पूरी कवर हुई है। पूरी कवर, ये एक्स के लिए है, ये 11 के लिए, 11 प्रो 11 प्रो मैक्स के लिए। और सर का जो एक ही इन्फो इंस्टीट्यूट का चैनल है वो आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हफ्ते में एक हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको ट्यूटोरियल दे दें, फ्री ट्यूटोरियल दे दें, हालांकि बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जो हम लोग YouTube पे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो जो आप लोग को YouTube पे दे रहे हैं वो हमारे नॉलेज का महज 2 से 5% दान करते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना अपनी कमाई का 2% दान कर दो, उसी तरह नॉलेज का 2-3% हम लोग दान कर देते हैं। क्यों सर? दान पे कितना यकीन रखते हैं सर? दान करेंगे तो आपके पास नॉलेज खत्म होगी, नॉलेज खत्म होगी तो फिर आप प्रेशर आएंगे कि कुछ अपग्रेड होने की। बिल्कुल नहीं, तो वो सर का तो कहना ही है कि क्लास में 110% नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, और YouTube पर भी 2-4% दान देते रहते हैं कि भाई आपको नॉलेज मिलता रहे। और कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कहीं से ट्रेनिंग ले चुके हैं लाख 2-2 लाख रुपए में, वो भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या सर वो मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, मिल सकते हैं। क्या क्या टॉपिक को लेके मिल सकते हैं वो? बेसिकली जो ज्यादातर जो उन्हें प्रॉब्लम होती होगी, जैसे सीपीयू स्वाइपिंग में होती, यहाँ पे आ जाइए, सीपीयू स्वाइपिंग में होती होगी, या सैंडविच बोर्ड में दिक्कत होती होगी, या किसी एरर को लेकर दिक्कत होती होगी, या फिर अब जैसे अनबेंडिंग आ गई है जेसी से नए प्रोडक्ट से, क्या अनबेंडिंग कर सकते हैं ट्रूटोन वगैरह को, तो उनको लेकर होती होगी, मे बी ना होती, अगर होती है तो वो इस तरह के ट्यूटोरियल के लिए। या ऐसे भी तो हो सकता है कि उनको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा हो, या फिर परेशानी ज्यादा हो, सक्सेस रेशियो कम हो। हाँ सर, कई बार क्या होता है ना, जैसे हम वोशिंग जी वगैरह या बिट मैप से रिपेयरिंग सिखाते हैं तो वो डायरेक्ट सीधा GR वगैरह चेक करा देते हैं। मैं क्लासेस में सिखाता हूँ, अभी जब आपके आने से पहले अभी हम इधर जब क्लास ले रहे तो आज हम वही सीख रहे थे कि CPU को निकाल के CPU की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं आप मल्टीमीटर से। अच्छा, कि CPU ठीक है या नहीं, CPU को लगाने से पहले मतलब डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए, हो सकता है वो गलत हो तो आपका भी मोबाइल खराब हो जाए।
तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो हम तो यही कहेंगे सर के पास आप आइए, और सर का ऑनलाइन क्लासेस भी है बहुत प्रॉपर वे में चल रहा है, तो आप चाहें तो उनका जो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वो धीरे धीरे सर अपग्रेड की तरफ हम चला रहे हैं। अच्छा, जितना भी नया अपडेट आएगा वो सब ऑनलाइन पोर्टल पे मिलेगा। बिल्कुल, तो यही कारण है कि उसको 6 महीने का वैधता रखा गया, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसको भी प्रॉपर हम लोग और भी तेजी से डेवलप कर रहे हैं कि भाई ऑनलाइन वाले भी स्टूडेंट हमारे से कैसे ज्यादा से ज्यादा खुश रहें, और हैंड स्किल, उनका हैंड स्किल आने की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। हम इसके लिए एक चीज कहना चाहेंगे, ज्यादातर बहुत से के दिमाग में बैठा होता है कि यार ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन होता है, बट हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ऑफलाइन आ सके। तो ऑनलाइन भी हमने जो अपना सेटअप बनाया वो इस तरह का ही बनाया है कि उसमें आपको सारे एंगल देखने को मिलेंगे कि होल्डिंग कैसे करनी है, ब्लोर कैसे पकड़नी है, या कितने टेम्परेचर पे आपको काम करना है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, मल्टीमीटर का क्या होना चाहिए। इनडायरेक्टली ऐसा ही फील होगा कि जैसे टीचर आपके साथ बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर भी अगर आपको ऐसा रिस्क लगता है तो आप आ भी सकते हैं, मतलब आप स्विच भी कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर आपको ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन को ऑफलाइन में चेंज कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं सर के साथ इसी चैनल पर, टू यू यू एल को लेकर के, कि उनके बारे में पूरी रिव्यू देखेंगे कंपनी वाइज। तो थैंक यू।